चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां राधिका खेड़ा विवाद मामला, एआईसीसी ने 24 घंटे में मांगा जवाब। कांग्रेस नेत्री ने भूपेश पर भी सवाल उठाए, एक्स पर लिखा, लड़की हूं लड़ रही हूं। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारी सहयोगी छाया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। छाया, जिस प्रकार से हमने देखा राधिका खेड़ा का जो ट्वीट सामने आया, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी पार्टी में भगदड़ मच गई है। भूपेश बघेल पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जी देखिए, ये मामला परसों का है, ये मामला सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इस मामले पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि करूंगी खुलासा। और इस ट्वीट के बाद से सभी पार्टी में खलबली मच गई थी, क्योंकि बीजेपी पार्टी भी लगातार इसमें अपना हाथ आजमा रही थी। और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नारी का अपमान हुआ है और इसमें हम उनके साथ हैं। और इसी के साथ अब एक और कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई, सभी बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने इस पर प्रतिक्रियाएं दी। केदार गुप्ता जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस पर कहा कि कौशल्या माता की धरती पर किसी नारी के आंसू गिरे हैं, और इस पर उन्होंने बातचीत कही। और इसके बाद केदार कश्यप का भी एक ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें, क्योंकि यहाँ पर विष्णुदेव साय की सरकार है और साय सरकार में सुशासन में आपको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी महिलाओं के लिए समान न्याय गारंटी आपको दी जाएगी। और इसी के बाद अब एक बार फिर से उनका ट्वीट सामने आता है, राधिका खेड़ा एक बार फिर से ट्वीट करती है, जिस पर उन्होंने भूपेश बघेल पर भी तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि दुशील को लेकर कका का मुंह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है। उन्होंने कई इस दो लाइन में उन्होंने भूपेश बघेल पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लिखा है, लड़की हूँ लड़ रही हूँ। और कल आपको बता दूं, प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा था, जिसको लेकर के उन्होंने भी एक लिखा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। और आपको बता दूं, आप ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया है, और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस मामले पर कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर जांच होगी और ये घर का मामला है, अंदरूनी मामला है, इसे सुलझा लिया जाएगा आपस में बातचीत करके। उन्होंने कहा था कि पहले भी इस तरीके की बहस आपस में दोनों में हो चुकी है, लेकिन ये मामला जितना उन्होंने छोटा बताया था उतना रहा नहीं, अब ये मामला काफी तुल पकड़ता जा रहा है। अब मामला एआईसीसी तक पहुंच गया और एआईसीसी ने 24 घंटे का समय दिया है, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अब यह मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है, क्योंकि बीजेपी ने भी इसमें हस्तक्षेप कर दिया अपना, बीजेपी नेताओं ने भी ट्वीट कर इसका जवाब दिया है, तो अब देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका छाया, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।